हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं नाश्ते में पनीर चीज़ सैंडविच। तो उसके लिए मैंने टमाटर और ये आलू का भरता और इधर प्याज और ये पनीर मतलब कट करके रख लिए हैं, ये ब्रेड है और बटर और ये चीज़ रखी है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके घर वाले भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने पूजा कर दी है सोमवार को है इसलिए, और दो सोमवार तो मेरे ऐसे निकल गए, ये तीसरा सोमवार है। तो तीसरे सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी मेरे नाश्ता करने की, तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता और अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरा आज का नाश्ता क्या है। तो चलिए देखते हैं, अभी रखा है यहीं पर, रखा है मेरे पास में। तो फ्रेंड्स, मेरे नाश्ते की थाली में रखा है ये ब्रेड और चीज़ मतलब पनीर का ये ब्रेड सैंडविच बनाई थी। जैम है, ये सेजवान चटनी है, ये ये मूंगफली की चटनी है, ये जूस है और ये कोको कोला पेप्सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम दिखा दें आपको, इसमें ब्रेड में चीज़ रखी थी तो ये पंखा चल रहा था तो उसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया और ये मालूम भी नहीं पड़ रहा है। और ये प्याज वगैरह दिख रहे हैं और पनीर दिख रहा है बस, और ये देख सकते हो सारा ही सूख गया। और देखिए, और ये मैं कटर लेके आई थी, जो पहले हमारे यहाँ पी टी जैन स्कूल है ना उसमें मेला लगा था तो ये लेके आई थी, तो इससे नहीं कट रहा था क्योंकि ये थोड़ा पहना नहीं है इसलिए। और ये इससे परांठे मतलब त्रिकोण के बनाओ ना वो काटो तो कट जाते हैं, सांके वगैरह काट लो तो कट जाती हैं और ये ब्रेड नहीं कटती। अरे ये फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे नाश्ते में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, अब हम कर लेते हैं नाश्ता क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, वीडियो बनाओ फिर दिखाओ फिर इधर उधर रखो, तो नाश्ता तो गर्मी गर्म अच्छा लगता है। हमने नाश्ता कर लिया और अभी नाश्ता किया है, यही खाली रखी है और नाश्ता हमारा काफ़ी हैवी हो गया, बहुत पेट भर गया है, अब खा के उठा भी नहीं जा रहा है, पर क्या करें, उठना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। तो दो ब्रेड मेरे पे मुश्किल पड़ गई, उसमें से आधी रह गई थी और मैंने की झूठी है वो खाना रखूँगी, तो मैंने वो जोश की खाई तो मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया है, तो थोड़ी देर बैठूँगी उसके बाद में सब कुछ करूँगी। और इसमें फिर मैं थोड़ी सी टाइम निकाल के वीडियो भी देखूँगी ये तो। और देखिए इधर मेरी ये चटनी वगैरह रखती है, बोतल है आपको, ये जैम है ये वाला किसान का, बहुत अच्छा जैम है ये, किसान कौन सा दिखाने वाला, किसान का जैम है। और ये वाली सेजवान चटनी है, जो कि हम पहली बार लाए हैं इसे, ये पेप्सी है हमारी, यह की पेप्सी है। काली वाली तो खत्म हो गई, इधर ही कहीं बोतल पड़ी होगी। तो गाइस, चलिए तो थोड़ी देर बैठेंगे और वीडियो वगैरह देखेंगे, निकाल के देखते हैं क्या करना है। फ्रेंड्स, कर लेते हैं थोड़ी देर आराम। बहुत अच्छा लग रहा है और रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना,
कमेंट भी करना प्यारे प्यारे से। क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना था मैंने बोल दिया। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, चल रहा है हमारा। तो अब करेंगे हम थोड़ी देर आराम। और ये देखिए मैं छोटी छोटी मैंने बारी बनवाई है। नंगे कान रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था। वैसे तो हैं मेरे पास, पर मेरे कान ना हल्के हैं तो भारी मतलब टॉक्स वगैरह सूट नहीं करते, तो मैंने छोटी छोटी बारी बनवाई। और अभी टाइम हो रहा है 2:10 हो रही हैं। बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, तो अभी वो अपना वर्क वगैरह कर रहे हैं, कुछ बातें बंद कर रहे हैं। तो अब मैं उठूँगी कमरे में से, मतलब कमरे से निकलूँगी बाहर। अब मुझे करना है काम, तो अब मैं कर लेती हूँ काम। देखो आवाज़ आ रही होगी आपको, अब बच्चों का माहौल होगा, हमारा काम होगा। यही टाइम होता है थोड़ी देर आराम करना, वीडियो वगैरह देखना, एडिट वगैरह करना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।